अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं जो शेयर कर रही हूँ ये व्लॉग है मेरे सबसे छोटे बेटे के स्कूल के पहले दिन का, तो सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। इस तरह हमारी मेमोरी में ये जो अच्छी सी याद भी रह जाती है, क्योंकि जब चाहो तो देख सकते हो और आप लोग भी फैमिली के हिस्सा हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। तो ये रात का टाइम है और यहाँ मैं इसके स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने दोनों को यूनिफॉर्म प्रेस कर दिए थे, क्योंकि मुस्कान का जो है क्लास का पहला दिन था तो यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दिए और शूज़ वगैरह सारे रख दिए। और ये जो कपड़े आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके बैग में रखने एक्स्ट्रा कपड़े, और साथ एक दस्तरखान भी रखना है। स्कूल वालों ने बोला है कि बच्चे के बैग में एक एक्स्ट्रा जो है कपड़े को जोड़ा भी रखना है आप लोगों ने, और एक दस्तरखान भी रखना है जो बच्चे को खाना खाते वक्त मतलब नीचे डाल के देंगे, क्योंकि यहाँ फुल इस्लामी माहौल होता है तो बच्चों को इस्लामी तरीके से सिखाया जाता है। और यहाँ पे ये इसकी सारी बुक्स सामने कवर करके सारी बुक्स पे नाम लिख के, और इस तरह इस पर शॉपर बैग पे जो है ना उस पर भी हम लोगों ने नाम लिख दिया, ताकि वो स्कूल वाले इसके किताबों को निकाल देंगे। तो देखें आगे मुबशर खुद ही बातें कर रहा है। कैसे नहीं कहते नहीं है, इसमें सारा अल्लाह का नाम है। आपके कायदे जो है ना अल्लाह के नाम वाले, ऐसे खींचते नहीं, गुनाह होता है। ठीक है, वो खींचने वो माच वो खींचने वाले बैग जो होते हैं ना वो और होते हैं, उनमें अल्लाह का नाम कम होता है। आप ये दूध पियो ना, तो फिर दुआ पढ़ो और स्लीपिंग कर दो। ठीक है, ओके, शाबाश। मेरे बच्चे को जल्दी उठते हैं, सोने की दुआ पढ़ दो। हेलो अम्मा, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। अब मेरे बच्चे अपने गले में फूंक मारो, आप स्लीपिंग कर दो। सुबह मेरे बेबी को जल्दी उठना है ना, स्कूल के लिए ना, पढ़ने के लिए ना। कुछ टेस्ट तो आपको हो गया ना, आप तो आपको सिर्फ बस पढ़ने जाना है। पढ़ने जाना है। हाँ क्या बोला, कलर दिखाने, खाना कलर दिखाने हैं ना। आप अपना सारा बैग जाके जब टीचर को दोगे ना, तो टीचर आपकी एक्स्ट्रा बुकें भी निकाल देगी, कलर भी ले लेगी, पेंसिलें शॉप सब कुछ ले लेगी, और आपको सिर्फ एक देगी जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी टीचर अपने पास रख लेगी, जैसे आपसे वो ख़त्म होगा ना और देगी भी। ऐसे आपसे बच्चे चोरी कर लेंगे लेंगे ना, अगर आप सब सब कुछ साथ लेके जाओगे तो। ठीक है, ठीक है, हाँ फिर वापस देंगे, फिर आपका बैग हल्का हो जाएगा, सुबह भारी होगा फिर हल्का हो जाएगा। एक्स्ट्रा बुक भी रख लेंगे, जिस बुक का काम मिलेगा वही देंगे। ठीक है, हाँ अच्छा जो, गुड नाइट। इसको पहले दिन स्कूल जाना था ना, इसलिए मैंने इसे मतलब जल्दी ही टाइम पे सुला दिया, इसको सुला के ना बाकी जो काम रहते थे मैंने बाद में किए, क्योंकि मुझे पता था ये अगर सोया नहीं तो फिर सुबह उठेगा नहीं। तो ये होगी ये नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में मैं तो सुबह 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि मैंने उठ के फजर की नमाज़ अदा की थी, और उसके बाद अब मैं जा रही थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो चलें आप भी मेरे साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बच्चे मतलब स्कूल का पहला दिन हो तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और बच्चों के साथ साथ माँ को भी खुशी होती है, लेकिन साथ दिल में एक डर होता है, पता नहीं इसको बच्चा बैठे ना बैठे क्या करे, इस तरह अजीब सा एक डर भी होता है। और जितना बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना, इतनी माँ भी बच्चे को भेजने में एक्साइटेड होती है स्कूल, मतलब फर्स्ट है स्कूल के लिए। तो इस तरह मैं भी खुश थी, तो यहाँ पर बस मैं जल्दी उठ गई कि ताकि बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँ, उन्हें आराम से करा सकूँ। तो बस बच्चों के लिए मैंने ये ब्रेड गरम की थी और साथ चाय बनाई थी, और लंच के लिए नूडल्स। मुबशर मुबशर मुबशर, उठ जाओ मेरा बेबी, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग मुबशर, उठ
जाओ, सुबह हो गई, सुबह हो गई मामू, उठ जाओ मुबशे। उठ जाओ ना मुबशर, मुबशर गुड मॉर्निंग। पूरा स्कूल का टाइम हो गया मेरे बच्चे का ना। चलो दोनों उठो, आठ मुँह दोखे उठो, चलो 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 लेट्स गो। नींद पूरी हुई आप लोगों की? रात को जल्दी सो गए थे ना? नहीं, मुबशर भी जल्दी सो गया था। आगे खुल गए, मुबशर आप आगे, आपकी बारी, आगे जाओ, हाथ दो आराम से। चलो भाई भी चढ़ना अच्छा, आप चाय गिरा ना दो। मैंने बेबी की नींद पूरी हुई है, आगे जरा कुली करा दो। इतनी छींकें क्यों आ रही हैं? नज़ला लग गया, इधर देखो, मैं इधर देखो, नज़ला लग गया आपको? हाँ, पसीना आया हुआ था एकदम, बाहर हवा में गए ना तो आपको नज़ला लग गया। कितनी अच्छी बहन है, कैसे प्यार कर रही है अपने भैया से। ये लो मुस्कान पकड़ो, आज के व्लॉग में मैंने ना वॉइस ओवर मतलब बहुत कम किए, ज़्यादा मैंने आप लोगों को रियल दिखाने की कोशिश की है, ताकि जो बच्चे और माँ में बातें होती हैं ना आप लोग वो भी सुन सकें। वॉइस ओवर तो मतलब सुनते ही रहते हैं, तो आज मैंने बोला कि आप लोग मतलब रियल चीज़ें देखें, जिस तरह हम लोग सुबह जाते हुए बातें कर रहे थे, जिस तरह वो एक्साइटेड था, जिस तरह मैं उसे मतलब मोटिवेट कर रही थी कि आप लोगों ने किस तरह करना है क्या नहीं करना, तो इस तरह अपने अपने लंच बॉक्स अपने अपने बैग में डालो। बोतल यहाँ पे बस मैंने उनको रेडी कर दिया था, सिर्फ उन लोगों ने मतलब अपने स्काफ और टोपी लेनी रह गई थी, ये मैंने इनको बोला कि आप लोग जो है खुद पहने और मैं आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मतलब बच्चे हफ्ज़ कुरान करने जा रहे थे, तो इसलिए मतलब दिल में इतनी एक्साइटेड थी, इतना वो था कि बोल रही थी कि इनकी हर एक याद को टेक्चर मतलब करूँ, मतलब ये एक मेमोरी रह जाए इस तरह कि ये भी कल बड़े होकर देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि हम फर्स्ट डे जो स्कूल किस तरह गए थे, हम कैसे लग रहे थे। तो बस यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे, तो आज हम गाड़ी भी नहीं गए थे क्योंकि हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो सिर्फ हम लोग ही थे, तो हम इन्हें बाइक पे ले गए क्योंकि मुबशर बाइक पे बहुत खुश होता है, जब उसको लेने गाड़ी पर चले जाओ ना तो वो बिल्कुल खुश नहीं होता, तो इसलिए हम जो है बाइक ले गए। यहाँ बस स्कूल में जाकर ना हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा और उसके बाद हमारा टाइम आ गया और कारी साहब ने थोड़ी सी तकरीर की, आप लोगों को सुनाती हूँ। चलो मेरे साथ ठीक है, तो इसके हुसूल के लिए आपने कुर्बानी दी है, आपने इंतजार किया और आप एक
इधारे में करने काटी तो लिखे देना तुम लोग के हाथ से करके सही कुछ हकों के जैसे बच्चों के ऊपर है, इसी तरह बच्चों की हकूक वालिदैन के ऊपर है। और सारे ये नहीं बताऊंगा लेकिन एक दो हक बच्चे के ये है कि एक तो उसका जो है अच्छा नाम रखा जाए ही जुड़े मुसलमानों वाला वालिदैन की हल्का है कि उसको अच्छा से अच्छा तालीम दिया जाए और सबसे अच्छा तालीम वो कलाम पाक की तालीम है। कहिए भाई सबसे बेहतरीन तालीम वो किसके कुरान पाक की तालीम, कुरान पाक की तालीम हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह कल वो आपके लिए होना यहाँ पर इंशाल्लाह। प्लीज़ आप साइड के आ जाएं, पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं। हम रख के हम यहाँ पर आए हैं कि इंशाल्लाह वो हमें आइंदा हासिल। एक तो ये बात है कि अल्लाह के इस इंतखाब के ऊपर हम जितने भी शुक्र अदा करें होगा। तालीम का आगाज हो रहा है और आज हो गया है अल्लाह तबारक व तआला हमारे और अपने और नबी अलैहिस्सलाम के मुताबिक शेर हैप्पी हैप्पी फेस स्माइल भैया जी स्माइल अंदर आप ही भी मौजूद हैं। स्माइल करो फेस को स्माइल लाओ भाई फेस फेस पे स्माइल लाओ और हैप्पी हैप्पी हो जाओ हैप्पी 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 हैप्पी। थोड़ी देर बाद बच्चा अंदर से हंसता हुआ आएगा और मम्मा बाहर खड़ी होगी हैप्पी होके जाओ तो यहाँ पे फाइनली बच्चों को छुट्टी हो गई। बच्चे आ रहे थे आज के दिन उन्होंने सिर्फ 2 घंटे बच्चों को रखा था क्योंकि बच्चों को सिर्फ आदत बनानी थी इसलिए बहुत ही जल्दी छुट्टी हो गई थी। हम लोग 9 बजे छोड़ के इन्हें वापस आए थे और 10:30 जो फिर चले गए थे 10:45 इनकी छुट्टी होनी थी तो उन लोगों ने बोला कि बच्चों के आने से पहले आप लोगों ने यहाँ हाज़िर होना ये ना हो गए आपके बच्चे आपका वेलकम करें आपने पहले आकर अपने बच्चों का वेलकम करना है इसलिए हम लोग भी जल्दी चले गए थे। यहाँ पर बच्चों की छुट्टी हो गई अंदर से आते हुए बच्चे इतने रो रहे थे पहले तो जाते हुए भी रो रहे थे और जब अंदर से होके आए ना तो वहाँ तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुबशर नहीं रो रहा था जब आया तो मतलब फेस पे स्माइल नहीं थी लेकिन रो भी नहीं रहा था नॉर्मल उसमें था तो देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे छोड़ा था तो बहुत डर लग रहा था पता नहीं किस हाल में होगा। जब इसे देखा तब जाके जान में जान आई और सुकून मिला। और आज का व्लॉग में आप लोगों के साथ मतलब रियल खेल किया वॉइस ओवर बहुत कम किए थे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर ये देखे मुबशर अंदर से होके आ गया था और उसके चाचू से बातें कर रहा था आगे आप लोगों ने मुबशर की बातें सुनी और मुझे इजाज़त अल्लाह हाफिज़। बहुत बचे रहे थे। अच्छा तो ने
फोन देख लूँ। हाँ हाँ बाद में देखती हूँ माशी की जिंदगी। छोना बच्चा मीना पारा। अच्छा अच्छा इनको रख के आऊँ फिर देखूँ कि आपने लंच फिनिश कर दिया। जूतों को अंदर ही रखती हूँ। आज 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 हाँ दिया था ना। हाँ हाँ दिखाओ। अच्छा अच्छा खोलना आता है आपको। जीरा से बच गए ना साइड पे। थोड़े से नूडल साइड पे बच गए। आपने फ्रेंड के साथ लंच शेयर किया या किसी के साथ शेयर नहीं किया? लंच किसी के साथ शेयर किया या किसी के साथ नहीं किया? नहीं किया। अच्छा फ्रेंड के पास क्या लंच था और बाकी बच्चों के पास क्या लंच था? अच्छा और क्या लाए थे? और ये कहीं नहीं खा रहे थे। तुम बता, तुम नहीं दो बताओ कैसे क्या है। आप जाओ ट्यूशन को, देर हो रही है, निकलो। अभी एक स्कूल से आके जाओ ट्यूशन। देखे ये बच्चा तो स्कूल पढ़ के आ गया मेरा।